सेंट्रीपिटल फोर्स मे बी इक्वल्स टू। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की हमें सिंपल जो बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है वो है एम वी स्क्वेयर डिवाइड बाय आर। अब बहुत से बच्चे ऑप्शन ए में ये फार्मूला एग्जैक्ट देखते ही इसको मार कर देंगे। अब बेसिकली एमसीक्यूज प्रोग्राम्स में वो आपको ये नहीं कहते कि चूज दी करेक्ट ऑप्शन, दे आस्क यू चूज दी बेस्ट ऑप्शन। तो आपने इस चीज़ को भी देखना होता है कि बाकी आंसर्स गलत क्यों हैं। तो हम उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगे कि बाकी आंसर्स गलत क्यों हैं या गलत हैं भी या नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे जो पी वी डिवाइड बाई आर, अब यहाँ पे पी जो है वो है लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम होता है एम वी। अब इस फार्मूला को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, अगर मैं v को बाहर कॉमन ले लूं तो मैं इसको लिख सकता हूं एम वी मल्टीप्लाई बाई वी डिवाइड बाई आर। अब यहां पे जो ये एम वी है ये बेसिकली मोमेंटम है, तो मैं इसको लिख सकता हूं पी वी डिवाइड बाई आर। तो ये मेरे पास बीटा बन गया। जैसे ही अब आपको ये दो मिले हैं तो आप अपना टाइम बचाने के लिए तीसरे ऑप्शन को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। ये ऑलरेडी करेक्ट है, क्यों? क्योंकि दो ऑप्शंस करेक्ट है, तो या तो यहाँ पे बोथ ऑफ दीज होता है, बोथ ऑफ दीज नहीं, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आ रहा है, तो आपका डेल्टा ठीक बनता है। लेकिन मेरे पास, क्योंकि मैं डिस्कशन कर रहा हूँ तो मेरे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इस चार्ली को भी इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ कि ये ठीक क्यों है। अब बेसिकली जो सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ एम से, तो ऊपर एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई एम आर हो जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वेयर, तो पी स्क्वेयर डिवाइड बाई एम आर हो जाएगा, तो चार्ली भी ठीक है। तो इसका आंसर बनता है डेल्टा।